हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सब लोगों का इस नए ब्लॉग में। और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए लेंस के बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो आज खेलते हैं रिएक्शन रिएक्शन रिव्यू रिव्यू। सो चलो चलते हैं आगे। आज मैं आपको बताने वाला हूँ इस कैनन 50mm STM लेंस के बारे में, जो कि वन ऑफ द बेस्ट लेंस है सो फार। और इतने चीप प्राइस में इससे बेटर लेंस आपको नहीं मिल सकता, इतनी गारंटी है मेरी। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा, लाइक करेगा और शेयर तो ज़रूर करिएगा। सो लेंस के बारे में आपको बताता हूँ अभी। अभी जो मैं शूट कर रहा हूँ अपने किट लेंस से शूट कर रहा हूँ, जो कि 18-55 का है, जो कि कैनन के साथ ही। लेकिन ये जो है 50mm लेंस है, ये आपको लेना पड़ेगा अगर आपको अपग्रेड करना है आपकी वीडियो क्वालिटी और फोटो क्वालिटी में। तो ये लेंस जो है 50mm का फिक्स है, इसमें जूम नहीं होगा, जूम का ऑप्शन नहीं है। अगर एपरेचर की बात करें तो इसका 1.8 एपरेचर है, जो कि बहुत ही अच्छा है। एपरेचर जितना लो होगा लेंस उतना अच्छा रहता है। और साइज़ देख सकते हैं आप कितना छोटा है ये। आप कंफर्टेबली इसको जो है पैक कर सकते हैं, कहीं जेब में रख सकते हैं, और ट्रैवल के लिए तो बहुत अच्छा है ये। आप इसे कहीं भी एडजस्ट करके आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं। जो भारी लेंस होते हैं उनको ले जाने में थोड़ा डर लगता है, क्योंकि टूटने का डर ज़्यादा रहता है। और ये लेंस बहुत छोटा है, सो आप आसानी से इसे जो है कैरी कर सकते हैं। फोकस की बात करूँ तो इसमें ऑटो फोकस और मैनुअल फोकस दोनों ऑप्शन मिल जाएगा आपको। फोकल लेंस फिक्स है, 50mm जूम नहीं है इसमें, जो मैंने आपको बता रखा है। सो ये जो भी किट लेंस और ये 50mm लेंस में क्या फ़र्क है, मैं आपको दिखाता हूँ ये स्विच ओवर करके। सो आप खुद ही देख लीजिएगा। सो दोस्तों, वीडियो क्वालिटी में आपने फ़र्क देख लिया होगा क्या फ़र्क है। बस ये जूम इन और जूम आउट नहीं हो सकता, यही है। और वो जो एक किट लेंस था 18-55 का, मीन्स 18mm से लेके 50mm तक मैं उसको जूम कर सकता था एडजस्ट, लेकिन ये फिक्स है 50mm, सो इसे मैं जूम आउट नहीं कर सकता। सो जब भी आप इससे शूट करें तो थोड़ा डिस्टेंस जो है बनाना पड़ेगा आपको एकदम विजुअल व्यू के लिए। इसकी फ़ोटो क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है और वीडियो क्वालिटी भी लाजवाब है। मैं कह नहीं सकता, ये वन ऑफ द फेवरेट लेंस है मेरा। मैं आपको फ़ोटो भी दिखा दूंगा इसकी, जो मैंने ली हुई है। तो मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा, बहुत सारे लोग जो है DSLR कैमरा ले लेते हैं, लेकिन किट लेंस से ही फ़ोटो या वीडियो शूट करते हैं, लेकिन फिर उनको लगता है कि वो DSLR वाला इफ़ेक्ट उनको नहीं मिल रहा है, जैसे वो ब्लर बैकग्राउंड वाला इफ़ेक्ट होता है वो नहीं मिलता है। तो दोस्तों, मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये पूरा खेल जो है ये लेंस का ही है। अगर आप अपनी फ़ोटो या वीडियो क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आपको अपना लेंस जो है अपग्रेड ज़रूर करना पड़ेगा, तभी आपको जो है एकदम जो आप चाहते हैं वो इफ़ेक्ट, वो रिज़ल्ट आप अचीव कर पाएंगे। कैमरे के साथ आपको किट लेंस ही मिलेगा, जिसका एपरेचर जो है 4.5 से 5 के लगभग होता है। लेकिन अगर आपको इम्प्रूव करने, तो ये आपको लेंस लेने पड़ेंगे। और जो मैं यूज़ कर रहा हूँ 50mm, इसका जो है एपरेचर है 1.8, जो कि बहुत अच्छा है। जितना कम एपरेचर होगा लेंस उतना ही अच्छा होगा, और वन ऑफ द बेस्ट लेंस है ये। बहुत सारे फोटोग्राफर इसको काफ़ी प्रेफर करते हैं। तो चलो फिर इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। आई होप कि आपको ये वीडियो और कंपैरिजन पसंद आया होगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर करना। और मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। मेरे जो अपकमिंग ब्लॉग हैं वो इसी लेंस से होने वाले हैं, और मैंने एक दूसरा लेंस भी लिया है सिग्मा का, जिनकी की वीडियो क्वालिटी बहुत अच्छी है। सो काफ़ी मज़ा आने वाला है। और देखते रहिए मेरे चैनल को, सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट भी करिए।